टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इतना इम्पोर्टेंट क्यों है और ये होता क्या है और इसकी कमी बार बार डॉक्टर हमें क्यों बताता है? हम जब भी किसी सेक्सुअल प्रॉब्लम की ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं तो डॉक्टर हमेशा बोलते हैं इसका टेस्ट कराओ, बट ये है क्या? इसकी कमी या इसका बढ़ना या इसका प्रोडक्शन ना होना हमें इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? हाय, आई एम डॉक्टर नेहा मेहता, मैं एक सेक्स काउंसलर हूँ और पिछले 10 सालों से प्रैक्टिस कर रही हूँ। अपनी हर वीडियो के माध्यम से सेक्स से जुड़ी सही जानकारी आप तक पहुँचाने की कोशिश करती हूँ। आज मैं एक ऐसे इंपॉर्टेंट हार्मोन के बारे में बात कर रही हूँ जिसे कहते हैं टेस्टोस्टेरॉन। लेकिन इसका क्या मामला है, क्या गुत्थी है, ये हार्मोन क्यों है, इसके लिए हमें कौन सी मेडिकेशन लेना चाहिए, ये किस चीज़ की कमी से मुझे नुकसान क्या होगा, सबके बारे में बात करूंगी। सबसे पहले ये वीडियो आपने अंत तक देखनी है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें। चलिए हम बात कर रहे थे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की। जैसे ही टेस्टोस्टेरोन आपके दिमाग में आता है, आपको समझ में आता है मैन, मैनलीहुड। क्यों? क्योंकि टेस्टोस्टेरोन यूजुअली मेल हार्मोन है, ये फीमेल्स में भी होता है लेकिन बहुत कम होता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनता आपके दिमाग से है लेकिन आपके शरीर के हर ऑर्गन सिस्टम में इसकी जरूरत है। बाल से लेकर नेल्स से लेकर, मेल्स के अंदर अगर मैं बात करूं तो उनके जेनिटल बनने से, आवाज भारी होने से लेकर स्किन टोन, स्किन पे हेयर्स आना, इन सब के लिए अगर कोई हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है मसल्स बनाने में या हार्ट सर्कुलेशन के लिए, हर जगह टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की इंपॉर्टेंस है। इसलिए कहते हैं कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ज्यादा होना या एक नॉर्मल लेवल पे होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब एक मेल बॉडी बनना शुरू होती है तो टेस्टोस्टेरोन ही धीरे धीरे उनकी बॉडी को फीमेल से डिफरेंशिएट करता है। जैसे प्यूबर्टी आने पर, जैसे मतलब जवानी आ गई है तो फिर मूछें आने लगती हैं, जो ब्रेस्ट है वो मेल टाइप हो जाती है, या फिर हम कहें कि थोड़े मसल मास इंक्रीज हो जाता है, आवाज भारी होने लगती है, मुंह पे बाल आने लगते हैं, एक्जिला में हेयर्स आने लगते हैं, और आपके जो पेनाइल एरिया है और आपके जो टेस्टीज हैं, वृषण है, वो भी धीरे धीरे मेल फॉर्म में बनने लग जाते हैं, उनके अंदर प्रोडक्शन शुरू हो जाती है और हम कहते हैं आप प्यूबर्टी के लिए रेडी हो गए हो। लेकिन ये हार्मोन इतना स्ट्रॉन्ग है, अगर आपने रिसेंटली मूवी देखी है रश्मि रॉकेट, इसके अंदर सारा ही मुद्दा टेस्टोस्टेरोन पे था, जो ये प्रूव करना चाहता था कि रश्मि रॉकेट है तो फीमेल लेकिन उनका टेस्टोस्टेरोन ज्यादा है, इसलिए वो अनफेयर खेल रही है, अनफेयर भाग रही है, इसलिए उनको इंटरनेशनल जितने भी ओलंपिक्स थे या रेसेस थे उससे उनको बाहर निकाल दिया गया था, क्योंकि उनका जो पोटेंशियल है वॉक करने का वो मेल के कंपैरेटिवली रखा जाता है। आपने नहीं देखी है मूवी तो देखिए। अब हम बात कर रहे थे कि टेस्टोस्टेरोन की कमी हो जाएगी तो क्या इतना बहुत बड़ा इशू हो जाएगा और ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है मेल्स के लिए? अगर आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होगा तो आपको एनर्जी नहीं रहेगी, स्पेशली वॉक पे जाने की या जिम पे जाने की, एक्सरसाइज करने के लिए आपको बिल्कुल लेथार्जी लगेगा और आप करना नहीं चाहेंगे क्योंकि वो आपको जोश नहीं देगा। आपका मसल मास नहीं बनेगा, आप रेगुलरली डाइट भी ले रहे होंगे, आप जिम भी जा रहे होंगे, इसलिए फिर आपका मसल मास नहीं बनेगा। इसलिए जिम्स में भी यूजली टेस्टोस्टेरोन लेवल या उसके सप्लीमेंट्स की या एनर्जीज की बात हो रही होती है। फिजिकल एक्सरसाइज आप नहीं कर पाएंगे, आपके हो सकता है ब्रेस्ट बढ़ने लगे मेल्स में, जिसको हम प्रॉब्लम कहते हैं कि फीमेल जैसी ब्रेस्ट डेवलप होने लग सकती है, आपकी जो बोन्स हैं वो वीक हो जाएंगी, ब्रिटल हो सकती हैं, फ्रैक्चर होने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं, और आपके जो टेस्टिकल्स हैं मतलब जो आपके अंडकोश हैं, वृषण हैं, वो साइज में छोटे हो सकते हैं। टेस्टोस्टेरोन की डेफिशिएंसी आपके अपीयरेंस, आपके एनर्जी लेवल और आपकी सेक्स डेवलपमेंट पे बहुत ज्यादा असर क्रिएट करती है। समझे कि आपके बॉडी ऑर्गन्स ही ठीक से नहीं होंगे तो आप परफॉर्मेंस के बारे में कैसे सोच सकते हैं। रिसर्चर्स ने ये भी बताया है कि टेस्टोस्टेरोन ज्यादा होना भी गलत है और इसका लेवल कम होना भी आपको पोटेंशियली एक्टिव नहीं बनाता और इसी के कारण आपको प्रीमैच्योर इजैकुलेशन और इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम होती है। तो अगर आप अभी भी आपको इनमें से कोई भी प्रॉब्लम है तो आज ही जाएं और अपना टेस्टोस्टेरोन लेवल चेक करें और एक एक्सपर्ट के द्वारा इसको रेक्टिफाई करें। बहुत ज्यादा टेस्टोस्टेरोन की टैबलेट्स या इसका कंजम्पशन करना भी ठीक नहीं है और विदाउट वेरीफाई लेना भी ठीक नहीं है, नहीं तो कैंसर के चांसेस
लॉसेस या अत्यधिक ग्रोथ हो जाना भी बहुत कॉमन रहता है। टेस्ट कराना होगा लैब से जाकर, टेस्टोस्टेरोन लेवल ब्लड के माध्यम से ये हो जाएगा और इसकी रिपोर्ट आपको एक कंसल्टेंट को, आपके यूरोलॉजिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट, सेक्स काउंसलर या डॉक्टर नेहा को दिखा सकते हैं। वो आपको बताएंगे अगर आपको शुगर है, बीपी है, कोई और प्रॉब्लम है, तब भी टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो जाता है, इफेक्ट हो जाता है। उम्र के साथ भी वो धीरे धीरे कम होता है जिसका पीक एज प्यूबर्टी पे मेल्स में होता है। तो अगर आपको ऐसा कुछ महसूस होता है तो आपको एक डॉक्टर को दिखाकर ये टेस्ट करके और बूस्टर को अपनी डाइट में ऐड करने की जरूरत है। तो अब आपको ये समझ आता है कि अगर आप एक मेल हैं और आपको कोई भी तरीके की सेक्सुअल डिफ्लेक्शंस या प्रॉब्लम हो रही है तो अपना टेस्टोस्टेरोन जांच जरूर कराना है। ये आपके दिमाग से लेकर आपकी फिजिकल एक्सरसाइज टू योर मसल मास, तुम्हारा हार्ट का सर्कुलेशन, खून का बनना, सेक्स में अच्छे से परफॉर्म कर पाना, मेंटली एक्टिव रहना, हर चीज को, डाइजेशन, एंडोक्राइन सिस्टम, पावर, प्रतिरोधक क्षमता, हर चीज में इसका रोल है। तो अगर कम है, आज ही जाएं किसी भी अच्छी लैब में और अपना ब्लड का ये सैंपल देकर अपना टेस्टोस्टेरोन लेवल जांच कराएं। उसके बाद आप किसी भी डॉक्टर को दिखा के टेस्टोस्टेरोन बूस्टर को अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। तो अब मैंने वो सारे क्वेश्चंस के जवाब दे दिए जो कहते थे कि मैम ये टेस्टोस्टेरोन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, आप क्यों कराते हैं, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, और अगर ये नहीं भी होगा तो क्या है। लेकिन अगर आपका टेस्टोस्टेरोन का लेवल ज्यादा आता है तो भी आपको एक डॉक्टर से सलाह लेकर इसको नॉर्मल लेवल तक पहुंचाने की कोशिश करनी होगी डॉक्टर की मदद से। बहुत जल्दी मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहें, जुड़े रहें। बहुत और वीडियोस आएंगे। अगर आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हैं तो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है डॉक्टर नेहा ऑफिशियल। साथ साथ अगर आपको लगता है कि आपने मुझसे बहुत सारी बातें करनी है तो एक पर्सनलाइज सेशन बुक करें drnehamehta.com पर, और साइकोलॉजी से रिलेटेड और सारे कंटेंट के लिए साइकोलॉजी सीखो मेरा नया यूट्यूब चैनल। बने रहें, जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना।